अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस, बहुत लाजवाब रेसिपी। यह है मटन बर्रा कबाब। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। यहाँ पर हमने 2 किलो से ज़्यादा, 2.25 किलो बकरे की चाँप ली है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून पीली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 3 नींबू का रस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून से हमने ज़्यादा लिया है पपीते का पाउडर, कच्चा पपीता भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, हमने कच्चे पपीते का पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम दही ली थी, उसका पानी निचोड़ लिया है। सारे मसाले हम एक जार में डाल देंगे, अदरक लहसुन प्याज लाल मिर्च पाउडर पीली मिर्च गरम मसाला काला नमक नमक पपीते का पाउडर नींबू का रस सफ़ेद सिरका और ये दही। सब डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मसाले को हमने फाइन पेस्ट बना लिया है और अब हम चॉप में सारा जो है मसाला डाल देंगे। और एक कसूरी मेथी भी डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से चॉप में लग जाए। ये देखिए, चॉप को हम पूरी रात तक मैरिनेट करेंगे जिससे अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। ओवरनाइट हमने इसको मैरिनेट कर लिया था फ्रिज में रखने के बाद और ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है फिर से। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा तवा लिया है, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया और जो ये चाप है इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे तवे पर। ये देखिए, आप पैन में भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालना है फिर इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है जो चाप को। आप ओवन में भी इसे बना सकते हैं, आप इसको बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। अगर आपको ओवन भी नहीं बनाना है तो आप तवे पर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको बना सकते हैं। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं चाप को तो मैरिनेशन के टाइम पे आपको इसमें ऑयल डालना होगा जिससे चाप जो है बिल्कुल ऊपर से ड्राई ना हो जाए, जूसी रहना चाहिए, बिल्कुल टेंडर होना चाहिए। तो इस वजह से मैरिनेशन में आपको ऑयल डालना है और मैं तवे पे बना रही हूँ तो इस पर ऑयल डाल के मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो इस वजह से मैरिनेशन में अगर ऑयल डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर ओवन में पका रहे हैं तो आप मैरिनेशन में इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें। और सरसों का तेल ही ऑयल यूज़ करना है आपको, जो सरसों का तेल होता है वही यूज़ करना है इसमें। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेना है। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोग अपने घर में बना सकते हैं इतनी डिलीशियस मटन बर्रा कबाब। ये देखिए, बहुत ही प्यारा रंग आ गया है, लाइटिंग की वजह से आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ये, लेकिन इसका रंग बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। हमने इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर कोई नहीं डाला है, अगर आप लोगों को डालना है तो आप डाल सकते हैं। और ये चाप इनके रेडी है तो हम इसको निकाल लेंगे और बाकी जो बची हुई चाप होगी वो इसमें हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और अगर आपको आर्टिफिशियल कलर इसमें डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं, हमने उसको स्किप कर दिया, आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला इसमें। ये देखिए,
और इसी तरह से बाकी बची हुई चाप को भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए चाप को हमने ठंडा कर लिया है, नॉर्मल चाप हो गई है, ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक सीक लेंगे, स्क्यूअर्स लेंगे और उसके अंदर इसको चाप को लगा देंगे। जैसे सीक कबाब बनाते हैं उसी तरीके से चाप को भी सीक में लगा देना है। ये देखिए बहुत एहतियात के साथ लगाना है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, बाकी वैसे वो पक चुकी है तो इसलिए आराम से भी चली जाएगी, हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है। ये देखिए इसी तरह से हम सारी सीख लगा लेंगे। यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया और डायरेक्ट फ्लेम पर हम कबाब को अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे इसका स्मोकी फ्लेवर भी आए और बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी खुशबू आए। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। स्मोकी फ्लेवर के लिए हम लोग इस तरीके से कबाब को सेकेंगे और बहुत ही लाजवाब बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। मैं वैसे तो इसे तंदूर में बनाती हूँ जब इसको इस तरीके से करना होता है, लेकिन किचन में आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, गैस ऑन करने के बाद डायरेक्ट इसको फ्लेम पे भून के पका सकते हैं, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर भी रहे। ये देखिए बहुत ही लाजवाब सा बिल्कुल नेचुरल रंग आया है, बहुत डिलीशियस कबाब बनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। और खुशबू तो लाजवाब है, टेस्ट का तो कहने ही कहे हैं, बहुत ही लाजवाब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोगों को अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वेज बिरयानी की, बिरयानी, नॉन वेजिटेरियन, चिकन करी और चिकन रेसिपीज़, सबकी अलग प्लेलिस्ट है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, चेक कर लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाके। और ये देखिए हमने सारी कबाब बना के रेडी कर दिए, चाप बना के रेडी कर दी है, इसको डिश आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, बहुत लाजवाब बनी है रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए। ग्रीन चटनी के साथ, प्याज टमाटर सलाद के साथ खाइए इसको, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अगली रेसिपी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।